उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बेतवा नदी के तट पर मौजूद झांसी को वीरता, साहस और आत्म सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये वो भूमि है जहां झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, जिनकी वीरता के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर शुमार हैं। साल 2018 में हुए एक सर्वे के अनुसार झांसी उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर है। झांसी जाएंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा झांसी जंक्शन यानी झांसी रेलवे स्टेशन। आपको बता दें, भारत को सबसे बड़ा रेलवे मार्ग बनाने में झांसी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक झांसी स्टेशन दुनिया का सातवां सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहीं भारत में ये इस मामले में पांचवें नंबर पे आता है। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार नाम से मशहूर इस जिले का इतिहास 18वीं शताब्दी का माना जाता है। इस जिले को झांसी नाम देने के पीछे राजा वीर सिंह का ये झांसी किला है। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए झांसी कीमती विरासत से कम नहीं है। किसी समय में झांसी चंदेल राजाओं का गढ़ हुआ करता था। उस समय उसे बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, साहस की कहानी बयां करने वाले झांसी को एक समय पर बलवंत नगर के नाम से प्रसिद्धि मिली, लेकिन जब 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव का शासन झांसी पर हुआ, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ गया, क्योंकि राजा वीर सिंह देव ने झांसी में अनेकों ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण करवाया। चलिए आपको वो कहानी भी बताते हैं जो झांसी जिले के नाम के पीछे छिपी हुई है। दरअसल एक बार राजा वीर सिंह और जैतपुर के राजा ओरछा के किले पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में जैतपुर के राजा ने कहा कि बलवंत नगर यहां से झांसी सा लग रहा है। ये शब्द राजा वीर सिंह को बहुत पसंद आया और इसलिए उन्होंने बलवंत नगर का नाम झांसी रखने की सोची। बाद में झांसी का किला बना और बलवंत नगर हमेशा हमेशा के लिए बन गया झांसी। 5024 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया को कवर करने के लिए झांसी में कुल 19 कस्बे और 816 गांव हैं। 27,78,059 की आबादी वाले इस शहर में 81.10% हिंदू, 16.51% मुस्लिम, 0.94% ईसाई और 0.52% सिख रहते हैं। झांसी वो जगह है दोस्तों जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से गली गली में सुनने को मिलते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को जमकर धूल चटाई। जिस समय महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं निकला करती थी, उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो साल 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी की, जिसके बाद मणिकर्णिका को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। रानी लक्ष्मीबाई ने राजा गंगाधर राव के देहांत के बाद साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और अपने देश यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के आगे अंग्रेजों ने भी सर झुका दिया था। यही वजह है कि साल 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी का किला और झांसी शहर जियाजी राव सिंधिया को दे दिया। चलिए अब सर आपकी ट्रिप को सक्सेसफुल बनाते हुए झांसी में घूमने लायक जगहों के बारे में बताते हैं। पहला, बरुआ सागर। 260 साल पुरानी झील बरुआ सागर के ऐतिहासिक शहर का केंद्र बिंदु है, जबकि ये शहर कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह रहा है, जिसमें पेशवा के सैनिकों और बुंदेलों के बीच लड़ी गई लड़ाई भी शामिल है। झील के किनारे बनी एक तटबंध संरचना है जिसे ओरछा के राजा उदय सिंह ने बनवाया था। ऐतिहासिक महत्व रखने के अलावा तटबंध संरचना बरुआ सागर शहर के शानदार व्यू को दर्शाता है। दूसरा, झांसी फोर्ट। झांसी का किला भारत के उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी बगीरा की चोटी पर स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था। आपको बता दें कि स्वतंत्रता से पहले 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी गई लड़ाई में इस किले का एक हिस्सा टूट गया था। इस किले के अंदर भगवान गणेश को समर्पित एक मंदिर है और एक म्यूजियम भी है। इसके अलावा यहाँ आप शहीदों को समर्पित युद्ध स्मारक भी देख सकते हैं और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी है। तीसरा, सेंट जूड्स श्राइन एक रोमन कैथोलिक लैटिन चर्च है जो सेंट जूड्स थर्डियस को समर्पित है। इसे फ्रांसीसी जेवियर फेनिश ने बनवाया था। ये झांसी के छावनी क्षेत्र में है और राज्य में कैथोलिक समुदाय के बीच लोकप्रिय चर्चों में से एक है। हर साल 18 अक्टूबर के दौरान देश भर से ईसाई यहाँ सेंट जूड का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। नंबर फोर, रानी महल झांसी। दोस्तों, झांसी में मौजूद रानी लक्ष्मीबाई का ये महल एक शाही महल है जिसका निर्माण नेवलकार परिवार के रघुनाथ द्वितीय ने करवाया था। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। यही वजह है कि झांसी में जो भी आता वो एक बार इस महल का दीदार जरूर करता। लेकिन हाँ, आज के समय में आपको इस महल का एक हिस्सा टूटा हुआ नजर आएगा जो कि अंग्रेजों से युद्ध के समय हो गया था। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ी कई बातें आपको इस महल में बार बार आने के लिए मजबूर कर देगी। हम आपको बताना चाहेंगे इस महल में 6 हॉल हैं, जिनमें से सबसे फेमस दरबार हॉल है। पांचवा, राजा गंगाधर राव की छतरी। अगर आप शांति और खूबसूरती की तलाश में हैं तो झांसी की ये शांत और सुहानी जगह आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाएगी। इसे झांसी में सबसे अच्छी जगह माना जाता है। हम आपको बता दें, राजा गंगाधर राव की छतरी महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपने पति और झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद बनवाई गई थी।
ऐसा कह लीजिए कि ये उनकी याद में बनवाई गई थी, जो आज भी लक्ष्मीबाई के सम्मान को राजा गंगाधर राव के प्रति जाहिर करती है। यहाँ आपको हरे भरे बगीचे के साथ साथ आसपास तालाब भी देखने को मिलेंगे। छठवा पंचतंत्र पार्क झांसी। चलिए अब आपको झांसी की एक और खूबसूरत जगह का दीदार करवा देते हैं, जिसे पंचतंत्र पार्क के नाम से पूरी दुनिया जानती है। दरअसल ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई दोस्तों पंचतंत्र बुक पर आधारित एक एनिमल थीम पार्क है, जिसे खासकर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अगर आपके साथ बच्चे भी झांसी की ट्रिप का मजा ले रहे हैं, तो उन्हें एक बार पंचतंत्र पार्क का दीदार जरूर करवाएं। कहते हैं कि भाई शिक्षा से एक सभ्य समाज का निर्माण होता है, और अगर आप ऐसा समझते हैं कि एजुकेशन के मामले में झांसी किसी से पीछे है, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि इस मामले में भी झांसी काफी आगे है। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए झांसी को बेस्ट प्लेस माना जाता है। 25% की साक्षरता दर वाले जिले में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या कॉलेज और साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ झांसी शामिल है। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर झांसी। अब आप बताइए कि आपको ये शहर कैसा लगा। वैसे क्या आप कभी गए झांसी या जाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें।